आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अंतरजनपदीय लुटेरा गिरोह ने लूटा था आमलदा ट्रक, 6 गिरफ्तार। 21 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा से आम लादकर वाराणसी जा रहा था ट्रक, और आई चीनी मिल के पास चालक से वाराणसी जाने के लिए कहकर बैठे थे। प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी के लुटेरों ने दिया था घटना को अंजाम। खबर जनपद भदोही से है, जहां औराई पुलिस व क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को 21 दिन पूर्व बाबूसराय वाराणसी सीमा से लूटे गए ट्रक के साथ अंतर जनपदीय लुटेरा गिरोह के सरगना सहित 6 को बाबूसराय से गिरफ्तार किया। उनके पास से ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड और 6 मोबाइल बरामद किए गए। प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी जिले के बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। SP डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 28 मई को मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के बेलहा गांव निवासी अशोक कुशवाहा ने औराई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके ट्रक में आम लदा था और वह वाराणसी के लिए निकला था। औराई चीनी मिल के पास 3 बदमाश चालक से वाराणसी जाने की बात कहने लगे। चालक के मना करने पर उन्होंने उसे किराया देने की बात कही। इस लालच में चालक ने उन्हें बैठा लिया। ट्रक कुछ दूर आगे बढ़ा था कि औराई पुल के पास 3 और युवकों ने ट्रक को हाथ दिया। पहले से बैठे 3 युवकों ने इन्हें भी बैठा लेने को चालक से कहा। इन बदमाशों ने चालक को आतंकित किया और ट्रक को लेकर कछवा कपसेठी रोड पर मिल्कीपुर ले आए। यहां चालक की जमकर पिटाई की, उसे कंबल में लपेट कर नीचे गिरा दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज से मिले सुराग। पुलिस ने औराई चीनी मिल के पास CCTV फुटेज खंगाले, वहां संदिग्धों के बारे में पूछताछ की। कुछ संदिग्धों का नंबर सर्विलांस पर लिया, इससे पुलिस के तार से तार जुड़ते गए, बदमाश पकड़े गए। बदमाशों ने लूट के बाद ट्रक का आम कछवा लहरतारा में कई दुकानों पर बेचा था। इन जनपदों के हैं बदमाश। प्रयागराज के डिंगुरपुर निवासी अखिलेश गिरी, बामपुर निवासी ऋषभ तिवारी, मिर्जापुर के खैरा बसेरवा निवासी राजा उर्फ अभिनव मिश्रा, चेहरा गांव निवासी श्याम मूरत, राहुल सरोज, वाराणसी के बांसदेवपुर गांव निवासी महादेव गिरी हैं। कैसे रची थी लूट की साजिश? प्रयागराज के डिंगुरपुर निवासी बदमाश अखिलेश गिरी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अतरौली गांव में हुई है। यहां उसकी महादेव गिरी से पहले ही जान पहचान थी। 15 दिन पहले वह अपनी बहन के घर आया था। महादेव से चर्चा किया कि कोई ट्रक लेकर आओ, उसकी कटिंग करवा दूंगा, इसके एवज में मोटी रकम मिलेगी। महादेव ने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया। 5 दिन में योजना फाइल हुई और चीनी मिल के पास घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में विनोद कुमार दुबे, प्रभारी स्वाट टीम थाना औराई से उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, उप निरीक्षक इंद्रजीत यादव, हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह यादव, कांस्टेबल अनुज कुमार, कांस्टेबल अबरार अहमद, सर्वेलांस सेल से कांस्टेबल तुफैल अहमद, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, स्वाट टीम से कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल मन्नू सिंह, कांस्टेबल नागेंद्र यादव आदि शामिल रहे। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक भदोही की तरफ से नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, क्या ये पूरा प्रकरण था, इसमें किस तरह की कार्रवाई की गई? ये 28 मई को एक रीवा MP से आम से लदा हुआ ट्रक आ रहा था। भदोही जनपद से गुजर के बनारस पहाड़िया इसको जाना था। रास्ते में कुछ लोगों ने इस ट्रक को लूट लिया था और लूट के इस ड्राइवर जो था उसको मारपीट करके बांध के सड़क किनारे कहीं खेत में पटक दिया था। जब ड्राइवर किसी तरह से मदद मांगने के लिए थाने जब पहुंचा और थाने पे जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत औराई थाने की पुलिस और भदोही की जो SOG टीम है हमारी, ये तुरंत टीमें सक्रिय हुई और इन टीमों ने CCTV फुटेज, सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इस मामले की गहन छानबीन की। इसी मामले में कल औराई थाना और SOG की टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए इस डकैती की ये जो घटना थी इसमें शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो इनसे पूछताछ में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये ट्रक रीवा से बनारस के लिए जा रहा था और इन लोगों ने, जिनमें महादेव, ऋषभ, राजा, राहुल डेडई और बाबा अखिलेश गिरी, ये लोग, इनमें से 3 प्रयागराज के रहने वाले हैं और 1 जौनपुर का है और 2 जिगना मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने इस ड्राइवर को अकेला देख के, चूँकि उस समय जाम रास्ते पे रेलवे क्रॉसिंग का काम चलने की वजह से जाम लगा हुआ था, इसलिए ट्रकों का मूवमेंट काफ़ी स्लो था,
इस ड्राइवर को अकेले और कमज़ोर देख के इन्होंने इसको लूटने की योजना बनाई ताकि ट्रक को ये लोग काट के बेच सकें। इस योजना में कुछ लोग ट्रक में हाथ देकर और ड्राइवर से अनुरोध किया कि हमें आगे छोड़ दीजिएगा। ड्राइवर ने इन पर विश्वास करके इनको बिठा लिया और उसके बाद आगे चल के इन्होंने ड्राइवर को उसी की कंबल से पकड़ के बांध दिया और उसके बाद काफ़ी मारा पीटा और उसको खेत में ले जा के पटक दिया। उसके बाद इनका इरादा इस ट्रक को कबाड़ी मार्केट में कटवाने के लिए बेचने का था, किंतु किसी कारणवश ये लोग सफल नहीं हो पाए और इसी क्रम में कल इन छहों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुछ और अभियुक्त, 3-4 अभियुक्तों की संलिप्तता सामने आ रही है, उनके बारे में भी जांच की जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ये जो अभियुक्त हैं, चूँकि इन्होंने गंभीर अपराध किया है, इनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई, सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर, आसपास के जनपदों से ये रहने वाले हैं तो अगल बगल के जितने भी जनपद हैं वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं लूट की, तो क्या इनके तार जुड़ सकते हैं वहाँ से? उस संबंध में भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिन जगहों के रहने वाले हैं उस तरह के कुछ पुराने अभियुक्त भी उन गाँव के, उन शहरों के अन्य लूट की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, तो उन घटनाओं के संबंध में भी जानकारी की जा रही है और जिन जनपदों में घटनाएं हुई हैं उन जनपदों की पुलिस से संपर्क करके उसमें अगर इनकी संलिप्तता रही तो उसकी भी छानबीन करके उसको उजागर किया जाए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।